हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको समन्वय क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा और इसका एग्जांपल भी बताऊंगा। तो देखिए, यह जो समन्वय क्षेत्र टॉपिक है, यह है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि समन्वय क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा मैं अभी आपको बताता हूँ। इसकी परिभाषा मैं आपको दो प्रकार से समझाऊंगा, जिससे आप दोनों प्रकार की परिभाषाओं को एग्जाम में लिख सकते हो, दोनों भी इजी रहेगी। वो तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको शुरू से अंत तक देखने पर ही समन्वय क्षेत्र की परिभाषा समझ में आ जाएगी और एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वह क्षेत्र जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपस्थित होते हैं, समन्वय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, ये एक प्रकार की परिभाषा हो गई। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या कहा गया है परिभाषा में कि वह क्षेत्र जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपस्थित होते हैं। अब देखिए, इसमें ये ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है? आयताकार ब्रैकेट। जो समन्वय क्षेत्र होता है वह आयताकार ब्रैकेट के अंदर का क्षेत्र होता है। अब देखिए, इस आयताकार क्षेत्र के अंदर का जितना भी क्षेत्र है वह क्या कहलाएगा? समन्वय क्षेत्र। जैसे कि यहाँ पर बताया है, वह क्षेत्र जिसमें केंद्रीय धातु। अब देखिए, आयताकार क्षेत्र के अंदर कौन है? Cu कॉपर है, कॉपर को कहेंगे केंद्रीय धातु, और NH3 अमोनिया, इसे कहेंगे लिगेंड, और इनके साथ में ये जो 4 ऐड है तो 4 को क्या कहेंगे? समन्वय संख्या। और इस आयताकार क्षेत्र का राइट वाला भाग आयन क्षेत्र कहलाएगा और लेफ्ट वाला भाग उपसहसंयोजी क्षेत्र कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह एक प्रकार से समन्वय क्षेत्र की परिभाषा हो गई। अब दूसरी समन्वय क्षेत्र की परिभाषा भी मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं हम समन्वय क्षेत्र की। तो वह है संकुल यौगिक या संकुल आयन केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के चारों ओर एक आवरण सा बना लेते हैं, यह समन्वय मंडल या समन्वय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, ये जो दूसरी परिभाषा है उसमें क्या बताया गया है? संकुल आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। अब देखिए, ये जो ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, और कोबाल्ट के साथ जुड़ा है लिगेंड। तो इस आयताकार क्षेत्र, आयताकार कोष्टक के अंदर का भाग, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आयताकार कोष्टक के अंदर का भाग क्या कहलाता है? समन्वय क्षेत्र। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि संकुल आयन या केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के चारों ओर एक आवरण सा बनता है। ये देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के चारों ओर एक आवरण बना है, तो वह क्या कहलाता है? समन्वय मंडल या समन्वय क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें भी ये जो कोबाल्ट है वह है केंद्रीय धातु, उसके बाद में H2O जो है वह है लिगेंड, ये जो 6 है यह है समन्वय संख्या, आयताकार कोष्टक का राइट वाला भाग है आयन क्षेत्र, और आयताकार क्षेत्र का लेफ्ट वाला भाग है उपसंयोजी क्षेत्र, और इसकी जो संयोजकता है वह है +3। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से समन्वय क्षेत्र या समन्वय मंडल की परिभाषा है।